क्योंकि मैं जानती हूँ एक बाप की वैल्यू क्या होती है। मैं जानती हूँ बाप चाहे बैठा भी हो, घर के लिए एक वॉल होता है, एक दीवार, ऐसी दीवार होता है जो उसकी इच्छा होती है, जिसे वो अच्छा समझता है अपने परिवार के लिए, वो उस दीवार के अंदर उसी को घुसने देता है, अदरवाइज किसी को नहीं घुसने देता। तो हमेशा अपने फादर से रिस्पेक्ट करो, अपनी माँ को हमेशा प्यार दो, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है ना वो मतलब ही नहीं होता। बाकी छोरी तो ऐसी जगह ला तुम्हारी देना भी नहीं पड़ेगा। आजकल का है, आजकल तो कहाँ प्यार रहा है, आजकल तो गाड़ियों से, पैसे से। लड़का चाहे गोरा हो चाहे काला, उससे फर्क नहीं पड़ती। फर्क पड़ता है लड़कियों के, उसके पास गाड़ी किस कौन सी। फर्क पड़ता कितनी प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी खत्म तो समझ लो लड़की का प्यार खत्म। तो हमेशा माँ की इज्जत करो, क्योंकि वही है जो आपका दुख में तकलीफ में ऐसा आपको प्यार देंगे जो मतलब ही नहीं होगा। तो हमेशा रिस्पेक्ट करो उनकी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें पाला है, पोसा, इतना बड़ा किया है, इस काबिल बनाया कि हम यहाँ खड़े होके चार लोगों को अपनी बात बताएं। बस मैं यही कहना चाहूंगी, छोटी सी बात थी। और मैं धन्यवाद करूंगी इयान फैमिली, अनुज गर्ग जी, पंडित कपूर और पंकज बाली जी का, जिन्होंने यहाँ बुलाया, इतना प्यार प्रेम दिया। और ये मेरा पहला भांगोवर देख के आएंगे आप सभी। इतना ना चिल्लाओ। ये 15 दिसंबर को रिलीज होगी और मैं भी बड़े इंटरेस्ट के साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली फिल्म का पहला आइटम नंबर है। असलियत में मैं सर को ये बताऊंगी कि जब मैंने गाना किया तो मुझे लव बाइट का मतलब नहीं पता था। बाद में मुझे पता चला और मैं सोची मैंने क्या कर दिया। लेकिन अच्छा था, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, स्पेशली टीम के साथ काम करके, क्योंकि इतने नए नए चेहरे और मैं बहुत